नमस्कार, दो का दम देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की, तो देश में कोरोना संक्रमण का एक बार फिर से रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,60,960 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3,293 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में कोरोना से 2,61,162 लोग ठीक हुए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 24 घंटे की अगर आप बात करें तो 3,60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और कोरोना से मौत का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा है। लगातार ये सातवां दिन है और उससे ज्यादा सातवां से ज्यादा दिन है जब 3,00,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। आप समझ लीजिए कि पिछले 8 दिन में स्थिति किस तरीके से बद से बदतर हुई है। लगातार 2,000 से ज्यादा लोगों की जाने जा रही हैं और अब तो ये रिकॉर्ड और भी खराब होता जा रहा है। 3,60,960 केस एक दिन में सामने आए हैं, जबकि मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ा है और कहीं ना कहीं हर राज्य की स्थिति बद से बदतर होती हुई, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती हुई। तीन लाख साठ हज़ार नौ सौ साठ नए केस ज़रूर आए हैं और पूरे देश में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि हर राज्य की सरकार ये कोशिश कर रही है कि अपने स्तर पर वो कंट्रोल करवा पाए कोरोना की महामारी को, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नहीं हो रहा। लेकिन 2,61,162 लोग ठीक भी हुए हैं पिछले 24 घंटे की अगर आप बात करें, और रिकॉर्ड केसेस ज़रूर दर्ज हुए हैं और 3,000 से ज़्यादा जाने गई हैं कोरोना की वजह से। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रिकॉर्ड